नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देश के अंदर जो महामारी चल रही है और जो कठिन परिस्थिति है उससे अपने वाकिफ है। हर जगह कोरोना महामारी की चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है, जानने की कोशिश कर रहा है और आगे भी जानेगा इसके बारे में। मैं जो बात करना चाहता हूँ आज, वो इस महामारी से तो रिलेटेड है ही है, पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इस महामारी के कारण जो हर एक क्षेत्र बंद है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, ऑफिस है, स्कूलें हैं, सब पे कहीं ना कहीं इस महामारी ने क्या किया है, असर किया है। पर आज मैं आपके सामने इसके लिए आया हूँ क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ विद्यार्थियों के बारे में। जो विद्यार्थी इस समय स्कूल में न होकर घर पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हो, इट डजंट मैटर, पर कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर तो असर हो ही रहा है। आपको सबको मालूम है, सब परेशान है, वी नो वेरी वेल। पर सबकी परेशानी का कुछ ना कुछ हल निकल रहा है। आज जो विद्यार्थी बोर्ड के अंदर है, यानी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 9th पास आउट करके 10th में आए हैं या 11th पास आउट करके 12th में आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई पे बहुत बुरा असर हो रहा है इस महामारी के कारण। क्योंकि जिस रफ्तार से उनकी पढ़ाई चलनी चाहिए उस रफ्तार से उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है। जिन अलग अलग माध्यमों से वो अपनी स्टडी कर रहे थे वो माध्यम अब उपलब्ध नहीं है उनको, चाहे वो पर्सनल ट्यूशन हो, ट्यूशन क्लासेस हो, कोचिंग क्लास हो, स्कूल हो, उन सब से वो दूर हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों के पास में मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही माध्यम बचा है, वो है सेल्फ स्टडी। ये जो सेल्फ स्टडी है वो चाहे किसी भी तरह से करे, चाहे वो किसी बुक्स से थ्रू करे, यूट्यूब से करे या अपने टीचर से कनेक्ट होके उसके साथ में रह के उससे बातचीत करके करे। करना तो है, ये करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसके लिए नहीं है क्योंकि इस कठिन परिस्थिति के अंदर भी रहकर अगर आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपके पास बहाना तो है कि भाई इस डिसीज के कारण या इस महामारी के कारण हम रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाए। बट लेकिन इस कठिन परिस्थिति में रहकर भी यदि आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो सोचिए आपको अपने आप पे कितना प्राउड फीलिंग होगा। और हमें वही करना है। मैं उन सभी टीचरों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो किसी न किसी माध्यम से, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपने विद्यार्थियों से अभी भी कनेक्टेड है। सो थैंक्स टू ऑल टीचर्स जो इस कठिन परिस्थिति में भी अपने विद्यार्थियों के बारे में सोच रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट लाने में मेहनत मदद कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट अपना क्या फर्ज है? अपना फर्ज या अपनी ड्यूटी यही कहती है कि हम भी हमारे टीचर पे विश्वास करके एक अच्छा रिजल्ट उसको दें। और इन कठिन परिस्थितियों के
बावजूद भी यदि आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। करना क्या है विद्यार्थी मित्रों, ये जो भरपूर टाइम मिल रहा है ना आपको, ऐसा टाइम कभी किसी को नहीं मिला है। ऐसा सोचो कि कभी इतने सालों के अंदर किसी विद्यार्थी को, यानी कितने विद्यार्थी आके चले गए हैं बोर्ड की एग्जाम में, कभी किसी को घर पर बैठकर इतने टाइम तक बैठने का मौका मिला नहीं। ऐसा पॉजिटिव सोचिए और इसको पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव विचार के साथ मेहनत कीजिए कि मुझे जो ये टाइम मिल रहा है, सब कुछ बाहर बंद है, मैं घर पे हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी हैं, ओके, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में जो है, उसको लेकर मुझे एक अच्छा रिजल्ट लाना है। आप अपने स्टडी करने के लिए हर एक माध्यम का उपयोग कीजिए। आपके पास जो बुक्स हैं, बुक्स के ऊपर फोकस करके स्टडी कीजिए। यूट्यूब है, ओके, आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, या जो भी माध्यम है, उसके ऊपर वीडियो देखकर, किसी अच्छे टीचर के लेक्चर देखकर, या फिर अपने जो स्कूल के टीचर हैं, टीचर आपको जानते हैं, या आप जिन टीचरों को जानते हैं उनसे कनेक्ट होके, राइट है, या फिर अपने घर के अंदर जो सदस्य हैं उनसे पूछ के आपको अपनी स्टडी करनी है। दैट्स ओनली वे, यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको इस समय अच्छा रिजल्ट दे सकता है। वी हैव नो टाइम, अपने पास में इतना समय नहीं है। कल उठ के सब कुछ खुल जाएगा, सब एज इट इज हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, पर अपने पास समय कम रहेगा। इन स्कूल के अंदर स्टडी करने के लिए, तो उस समय कम ना रहे तो क्या करना पड़ेगा, अभी से ही ये जो समय अपने पास में है उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। और उसका उपयोग करके आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जो माध्यम मिले, जो आपको मिल रहा है, उसको लेकर, वो जो थोड़ी सी चीज आपके पास में है उसको बहुत कुछ मानकर आप स्टडी कीजिए। बहाने मत बनाइए कि ये सब चल रहा है, ये बंद था, मुझे बुक्स नहीं मिली, वो नहीं मिली। जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग आप स्टडी के अंदर कीजिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छा रिजल्ट लाने के लिए नहीं रोक सकती है। और ये जो लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को अपने पर प्राउड फीलिंग करने की, आप लाइफ टाइम तक कह सकते हो कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी मैंने पढ़ाई करके एक अच्छा रिजल्ट लाके दिया। ये चांस आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। दैट्स अ गोल्डन चांस, ये एक सोनेरी मौका है जिसको आपको प्राप्त करना, यू हैव टू अचीव इट। सो फोकस ऑन योर स्टडी, डू हार्ड वर्क, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू एवरीथिंग फॉर योर स्टडी। होप्स हो कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो अभी से, इसी समय से आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। ये जो छोटी छोटी बातें मैं जो आपको कह रहा हूँ, शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस लाएगी। टीचर भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, सब परेशान है, परेशानी सबको है,
चाहे वो इस महामारी की वजह से हो या फिर अन्य किसी रीजन से हो, परेशान तो अपने पहले भी थे, अभी भी हैं, उसके बारे में अपने को सोचना नहीं है। आपको सिर्फ सोचना क्या है कि मुझे सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और एक अच्छा रिजल्ट लाना है। बार बार रिजल्ट की बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका मेन एम, मेन गोल जो है वो यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। विशेषकर कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थी, जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ओके। तो मेरी बातों को आप समझकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करोगे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।